दावत मीडिया यूट्यूब चैनल मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के नाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال الله تبارك وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى محترم सदर जलसा स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम मेरे सामने बैठे हुए तमाम बुजुर्गान दीन और अजीज दोस्तों, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा फजल करम और एहसान हुआ, उसने हम तमाम को ऐसी मुबारक मजलिस में कुछ देर अपनी और अपने दीन की बात सुनने के लिए जमा फरमाया। कहने वाला सुनने वाले सभी अमल के मोहताज हैं, दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, काफ़ी देर से आप मकतब के तलबा और तालिबात का प्रोग्राम समात फरमा रहे थे, बहुत अच्छे अंदाज में तलबा ने प्रोग्राम को पेश किया। दिल से दुआ निकलती है अल्लाह पाक इस मकतब को दिन दोनी रात चौगुनी तरक्या से मालामाल फरमाए और इन पर उस्ताद मेहनत करने वाले उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना बशीर साहब और दूसरे नदीम साहब फिज़ नदीम साहब, अल्लाह इन दोनों असातिज़ा की उम्रों में बरकत नसीब फरमाए, इनकी ज़िंदगियों में अल्लाह बरकत दे, खूब अल्लाह इनसे काम ले। बैठे बैठे हम भी सोच रहे थे कि मुख्तलिफ मौजूआत पर बच्चों ने कलाम किया, बयान किया, अब हम किस मौजू पर बोलें। आम तौर से एक मौजू जो बयान नहीं किया जाता वो यहाँ पर बयान किया गया। दो से तीन तलबा व तालिबात ने ख़त्म नबूवत के मसले को छेड़ा माशाल्लाह और उस मौजू पर बयान किया। हमारे बड़े बड़ों को इसकी भनक लगी भी नहीं है कि ख़त्म नबूवत क्या चीज़ है, मालूमात कुछ भी नहीं। इसलिए मालूमात ना होने की वजह से जो भी फितना आता है, सर उभारता है, हम उसके असीर हो जाते हैं। कभी YouTube पर देख लिया, मोबाइल पर देख लिया, नई नई चीज़ें, अच्छी खुशनुमा चीज़ें महज़्ज़ब अंदाज में सामने आ गई, हम उसको कबूल कर लेते हैं, मानने पर मजबूर होते। नहीं, अच्छी चीज़, कोई बुरी चीज़ थोड़ी है, अच्छी बात बताई, बुरी चीज़ थोड़ी बताई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर दाखिल हो गई। दो तीन पॉइंट पर इंशाल्लाह मैं बात करूँगा। अजीज़ों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, हमारे नबी के बाद कोई दूसरा नबी आएगा नहीं, नबूवत का सिलसिला ख़त्म,
सवा लाख पैगंबर दुनिया में आ चुके, आखिरी कड़ी आखिरी नबी हमारे नबी, पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम और आखिर में आए हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया ला नबिया बादी अला खातमुन नबीयीन, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मैं खातमुन नबीयीन हूँ। नबियों की मोहर लग गई, नबुवत पर मोहर लग चुकी, आखिरी पैगंबर प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब कोई कहे कि जिल्ली नबी है, बुरूजी नबी है, अमके नबी, कोई दलील की जरूरत नहीं और किसी और हुज्जत को मानने की जरूरत नहीं। एक ही चीज हमारे जहनों में फिट हो जाना चाहिए कि हमारे नबी आखिरी पैगंबर हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। हम बिना दलील के भी मानने को तैयार है इस चीज को कि हमारे पैगंबर के बाद कोई पैगंबर है ही नहीं। اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا, आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, कुरान ने बतला दिया, मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। अब कोई आएगा नहीं दीन की तकमील के लिए, जर्रा बराबर कमी ज्यादती करने की गुंजाइश नहीं। जिन चीजों को अल्लाह ने हलाल किया कयामत तक हलाल, जिन चीजों को हराम किया कयामत तक हराम। अल्लाह दीन इस्लाम से राजी हो गया, हमारे पैगंबर के बाद कोई पैगंबर नहीं। नबुवत का झूठा दावा करने वाले पैदा बहुत हुए, मुसलमा कज़्ज़ाब आया, अस्वद अनसी आया, औरत सज्जा नाम की आ गई, अभी गोहर शाही का फितना चल रहा, कभी शकील बिन हनीफ का फितना सर उभारता है, न जाने कितने फितने हम में पैदा हो गए। मुसलमानों के दीनों ईमान को खत्म करने के लिए ये भाड़े के लोग होते हैं जिनको पैसा मिलता है ऊपर से, दीनों ईमान को खत्म करने के लिए साजिशें होती है, ऐसे नए नए फितने सर उभारते हैं। हुजूर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही मुसलमा कज़्ज़ाब ने दूसरी नबुवत का दावा कर चुका था, मैं भी अल्लाह का नबी, मैं भी अल्लाह का नबी। कुछ लोग जर खरीद थे बिकने वाले जो उसके झंडे तले जमा हो गए थे, कितने लोगों ने मानना शुरू कर दिया, हां मुसलमा भी अल्लाह का नबी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को उसके पास भेजा, ये वहां पहुंचे, उसको दीन की दावत दी, अल्लाह एक, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, आपके बाद में कोई नबी नहीं। मुसलमा कज़्ज़ाब कहने लगा तुम तेरी बात सुना दिया, अब मेरी सुन, खामोश बैठ, पहले यह बताओ मैं भी अल्लाह का नबी हूं कि नहीं हूं। मुसलमा कज़्ज़ाब ने कहा हुजूर के बाद प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैं भी अल्लाह का नबी हूं कि नहीं हूं। सहाबी रसूल कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, हमारा पैगंबर आखिरी पैगंबर है। मुसलमा कज़्ज़ाब ने कहा इनका एक पैर काट दो, एक पैर काट दिया, कहा मैं अल्लाह का नबी हूं कि नहीं, कहा नहीं तू झूठा नबी है, हमारा नबी आखिरी पैगंबर है। मुसलमा कज़्ज़ाब ने कहा इसका दूसरा पैर काट दो, दूसरा पैर कट गया, टुकड़ा हो गया, फिर कहने लगा मुझे अल्लाह का नबी मानते हो कि नहीं। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मेरा पैगंबर आखिरी पैगंबर है। मुसलमा कज़्ज़ाब ने कहा एक हाथ काट दो, चौथी से कहा मुझे पैगंबर मानता कि नहीं, कहा नहीं आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमा कज़्ज़ाब ने कहा दूसरा हाथ भी काट दो, दोनों पैर कट गए, दोनों हाथ कट गए। मुसलमा कज़्ज़ाब ने कहा अब बोल, जख्म मुंदमिल हो सकते हैं, जान बच सकती है, अपाहज ही सही जिंदा रह सकता है, अतः मैं पैगंबर हूं क्या नहीं। उन्होंने कहा कसम अल्लाह की एक ही पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, उनके बाद कोई नबी नहीं। मुसलमा कज़्ज़ाब ने कहा जबान भी काट दो, जबान भी कट गई। फिर मुसलमा कज़्ज़ाब ने कहा तू
इशारे से कह सकता है मैं तेरी जान बख्श सकता हूं, बोल दे मैं भी पैगंबर हूं कि नहीं। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हमारे पैगंबर आखिरी पैगंबर। इशारे से कहा बिल्कुल नहीं, हमारे पैगंबर आखिरी पैगंबर है, उनके बाद कोई नबी नहीं। मुसलमान कज़्ज़ाब ने कहा अब गर्दन भी काट दो। गर्दन भी कट गई। इनकी वालिदा मोहतरमा को किसी ने खबर पहुंचाया कि तुम्हारे बेटे को मुसलमा कज़्ज़ाब ने यह बोलने पर मजबूर किया कि मैं भी अल्लाह का नबी हूं, मगर तुम्हारे बेटे ने इकरार नहीं किया, आखिर दम तक यह कहता रहा कि मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, उनके बाद कोई नबी नहीं है। तो तुम्हारे बेटे को मुसलमा कज़्ज़ाब ने दोनों हाथ काटे, दोनों पैर काटे, फिर जबान काटी, फिर गर्दन काट दी, इस तरह से टुकड़ों में बखेर दिया। तो उनकी वालिदा कहने लगी लिहाजल यौमी अर्ज़ातुहू, मैंने मेरे बेटे को यह दिन देखने के लिए ही दूध पिलाया था। खत्मे नबुवत का अकीदा दिल में इस कदर जड़ पकड़ जाए कि जिस्म के टुकड़े हो सकते हैं मगर मैं किसी शकील बिन हनीफ या गौहर शाही या अस्वर अनसी या सज्जा या मुसलमा कज़्ज़ाब को हमारे नबी के बाद दूसरा नबी मानने को तैयार नहीं है ही नहीं। झूठे कज़्ज़ाब तो हो सकते हैं या दज्जाल तो हो सकते हैं, नबी नहीं हो सकती। अरे विलायत के मर्तबे को नहीं छू सकते तो नबुवत का दर्जा तो बहुत दूर की बात है। लौकान नबी अम्बादी लकान उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता हमारे नबी फरमाते वो उमर होता। ये मुसलम कज़्ज़ाब अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह, इनको पकड़ा मुसलम कज़्ज़ाब ने, ये बताओ मैं भी अल्लाह का नबी हूं। अब मुस्लिम खौलानी फरमाने लगे मुझे सुनाई नहीं देता, भैरा हूं। अच्छा ये बात मानते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है का? बिल्कुल, आपके बाद कोई पैगंबर है ही नहीं। दूसरी बार पूछा मुझे भी अल्लाह का नबी मानते हो? इन्होंने कहा मुझे सुनाई नहीं देता। अच्छा हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है ये मानते हो? का बिल्कुल, वो तो आखिरी पैगंबर है, उनके बाद कोई नबी नहीं। तीसरी बार पूछा मुझे भी अल्लाह का नबी मानते हो? क्या बिल्कुल नहीं, मुझे सुनाई नहीं देता। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर? का हां, उनके बाद कोई नबी नहीं। मुसलमा कज़्ज़ाब ने कहा इनको आग में डालो, आग दहकाओ। बड़ी आग दहकाई गई, उसमें मुसलमा कज़्ज़ाब ने अबू मुस्लिम खौलानी को डाल दिया अंदर। बाहर से लकड़ियों के ढेर लाओ, खूब लकड़ियां जलाओ, जलाते रहो जलाते रहो, सुबह शाम जलाते रहो। लकड़ियां जलती रही, दिनों रात जलती रही। लोग उस काम पर मामूर हुए, उस काम के ऊपर मजदूर बिठा दिए गए और लकड़ियां लाते जाते थे, डालते जाते थे। 40 दिन तक आग दहकाई गई। मुसलमा कज़्ज़ाब ने अपने कारिंदों से कहा, झूठे नबी ने अपने कारिंदों से कहा जरा जाकर देखो, अब 40 दिन गुजर गए, अबू मुस्लिम खौलानी की हड्डियों का सुरमा बन चुका होगा, अब उनकी हड्डियां भी मिलने वाली नहीं है, वो भी जलकर राख हो चुकी होगी। आग बुझाकर जरा देखो तो सही। जैसे आग बुझाई गई तो अबू मुस्लिम खौलानी कपड़ों समेत जिंदा चलकर आ रहे हैं, जिंदा निकल कर आए। अबू मुस्लिम खौलानी को जिंदा देखकर मुसलमा कज़्ज़ाब कहने लगा अरे जिस शख्स को 40 दिन तक आग न जला सके उस शख्स को कोई चीज मौत दे नहीं सकती, इनको शहर बदर कर दो। यमन से बाहर निकाल दिया। ये पैदल चलते हुए हुजूर की मस्जिद में आए, वजू किया, दो रकात नमाज की नीयत बांध ली। सुतून के पास खड़े होकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उधर से आए, जब उन्होंने देखा कोई नव वारिद है, नया मेहमान हमारी मस्जिद में आया है, इसके हाल और ताल से पता चलता है ये मुसाफिर है, लंबा सफर तय करके आया है। हजरत उमर वहां बैठ गए। जब वो नमाज से फारिग हुए तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा मैं कहां से आए हैं आप? उन्होंने कहा मैं यमन से आया हूं।
حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں تم یمن سے آئے؟ کہا ہاں یمن سے آئے. کہا ہمارے مدینہ میں خبر چل رہی ہے, ہم نے سنا ہے کہ کسی ابو مسلم خولانی نام کے آدمی کو مسلمہ کذاب نے آگ میں ڈالا, 40 دن تک آگ دہکتی رہی, اس کے بعد بھی وہ زندہ نکل آئے, کیا یہ واقعی کی آپ تصدیق کرتے ہیں؟ کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو, عمر بن خطاب سے کہا امیر المومنین جس واقعے کی آپ تصدیق چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح میں ہوا کہ نہیں ہوا, وہ کسی اور کے ساتھ نہیں, وہ میرے ساتھ میں ہوا, اور وہ میں ہی ابو مسلم خولانی ہوں, مجھے ہی اس نے آگ میں ڈالا تھا, 40 دن تک آگ اللہ پاک نے میرے لیے آگ کو گلے گلزار بنا دیا اور میں اس میں سے زندہ سلامت نکل کر آیا, تو اس نے مجھے یمن سے باہر کر دیا, اس لیے میں یہاں مدینے پہنچا ہوں. ہاتھ سے پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے کر گئے, یہ زمانہ ابو بکر کی خلافت کا تھا, یہاں لے کر آئے اور ابو بکر سے فرمانے لگے امیر المومنین لیجئے ملیے اس شخص سے جس کے ساتھ میں اللہ نے وہ مدد کا معاملہ فرمایا جو کبھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں مدد ہوئی تھی, جو مدد کبھی وقت کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کیا تھا, وہ مدد کا معاملہ حضور کے ایک امتی ابو مسلم خولانی کے ساتھ میں اللہ پاک نے یہ مدد کا معاملہ فرمایا. میرے دوست و عزیز و بزرگو, جو شخص ختم نبوت کے عقیدے کو دل میں مضبوط تھامے گا پکڑے گا, اللہ پاک دنیا میں ایسی مدد بھی فرمائے گا, اور اگر ٹکڑے ہو بھی جائیں تو گھبرانے کی بات نہیں, جنت انتظار کر رہی ہے, اللہ جنت میں انتظار, اللہ نے اس کے لیے جنت طے کر دی ہے, جنت اس کی منتظر ہے, حوریں اس کی منتظر ہے. یہ عقیدہ دل میں جا پکڑے, میں نبی کے بعد کوئی نبی نہیں, وہ آخری پیغمبر ہے, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اسود انس آیا, اس نے بھی دعویٰ کیا. یہ مسلمہ کذاب جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کے حیات میں ہی جس نے دعویٰ کر دیا تھا نبوت کا, وہ سارے لوگوں کو اپنے گرد جمع کر دیا, کتنے لوگوں کو بلا بلا کر پکڑ پکڑ کر زبردستی کہلواتا مجھے بھی نبی مانو. جو لوگ نبی مانتے عیش و آسائش کی زندگی, جو نبی نہ مانتے سزائیں دیتا, ہاتھ پیر کاٹ دیتا, نہ کان کاٹ کر مسلح بنا دیتا, کسی کو آگ کے حوالے کر دیتا. نہ جانے کتنی سزائیں تجویز کی, اس ظالم کو ختم کرنے والا کون تھا؟ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء کو جو شہید کرنے والا وحی تھا, ہندا کہا کرتی تھی نہلو بنت تارقی نمشی علی النمارقی, ہم تارق ستاروں کی بیٹیاں ہیں, ہم قالینوں پر چلتی ہیں, ہم نے غلام پال رکھے ہیں, گھوڑے پال رکھے ہیں, ان کو چنا دانا کھلاتے ہیں, غلاموں کو کھانا کھلاتے ہیں, ہم ان کو موٹے بنا رہے ہیں تاکہ جنگ بدر کے اندر ہمارے جو لوگ مارے گئے ان مارنے والوں سے بدلہ لے لے. وحشی کو تیار کیا حضور کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو, اگر تو شہید کر دے اتنا اتنا تجھے کپڑا لگتا اور سونا چاندی کا زیور تجھے انعام میں دوں گی, میں نے قسم کھا رکھی ہے حمزہ کے کلیجے کو دانتوں سے چبا کر نمل لوں گی, میں نے قسم کھائی ہے. انعام کی لالچ میں وحشی جنگ احد میں احد کے مقام پر ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا. سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ جب ادھر سے گزرے, اس نے موقع دیکھ کر نیزہ پھینک کر مارا, وہ نیزہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے ناف کے نیچے لگا, آپ دھڑام سے نیچے گرے, اسی میں آپ شہید ہوئے. ڈر رہا تھا, اسلام کا سرخیل ہے, جاباز ہے, کئی زمین سے اٹھ کر کھڑا نہ ہو جائے, کئی دیر تک دیکھتا رہا, زندگی کی رمق باقی ہے, یہ شہید ہو چکے ہیں, کنکر مار کر دیکھا, جب پورا یقین ہو گیا کہ حمزہ شہید ہو چکے ہیں تو ہندا کو جا کر کہا میں نے تمہارا شکار کر لیا ہے, وہ شہید ہو گئے ہیں, مجھے میرا انعام چاہیے. ان ہندا نے انعام سے نوازا, قریب آئی, انگلیوں کے پورے کاٹے, دھاگے سے اس کو سیا, گلے کا ہار بنا لیا, آنکھ کاٹ کا باہر پھینک دی, ناک کاٹ دی, زبان کاٹ دی, پیٹ کاٹا,
आते बाहर कर दी, सीना चाक किया, दिल को निकाला, दांतों से सिबाई निगल ले सकी, थूक दी, मुसला बना दी। इस कदर दर्दनाक हालत में देखकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू रवा हुए। आप धारे मार मार कर रो रहे थे, आपके आंसू तर थे, आपकी दाढ़ी मुबारक भीग रही थी, हिचकी मार मार कर रो रहे थे, किस जालिम ने किया है ये मेरे चचा का हाल। अहद के मैदान में एक बड़ी सी कबर है जहां 66 सहाबा एक साथ एक कबर में दफन है। एक छोटी कबर साइड में है जहां 3 सहाबा एक साथ दफन है, इसमें हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु भी है। सरकार फरमाते हैं, अगर मुझे मेरे फूफी का गम ना होता, रिश्तेदारों का गम ना होता, तो मैं अपने चचा की लाश को अहद के मैदान में ऐसे ही खुले बेकफन के छोड़ देता, सारे 69 सहाबा को तो कबर में दफन करता कफन के साथ में, मगर मैं मेरे चचा को बगैर कफन के ही औरत के मैदान में ऐसे ही छोड़ देता ताकि चील कौवे नोच नोच कर खा लेते। कल कयामत के दिन हर शहीद अपनी कब्र से उठता, मेरा चचा परिंदों के पेटों से बाहर आता। यह वैशी जब दामन इस्लाम में आया, नबी का कलमा पढ़कर नबी से वाबस्ता हुआ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नजर पड़ी, आपने फरमाया तू वैशी है? कहा हां मैं वैशी हूं। तूने ही मेरे चचा को कत्ल किया था, शहीद किया था? हाँ या रसूल अल्लाह। कैसे किया था? उसने बताया तफसील, ऐसे क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू जब भी आपको याद आती, आपकी आंखों में आंसू आ जाते। आपने फरमाया वैशी मेरी नजरों के सामने मत आया कर, तुझे देखकर मेरे चचा की याद ताजा हो जाती है। दामन अफू में लिया, उस वैशी दरिंदे को भी माफ किया, सहाबी का मर्तबा मिल गया, सहाबी का लकब मिल गया वैशी को। गो नबी की आंखों से दूर रहने का हुक्म है, लेकिन सहाबियत के मर्तबे से कम भी नहीं है। ये वैशी जिसने इस्लाम के सबसे बड़े सुरखील हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु हुजूर के सगे चचा को इस हाल में पहुंचाया था, उनको शहीद किया था, यही वैशी मुसलमा कज़्ज़ाब झूठे नबी को जहन्नम रसीद करने वाला बना। इसने ही कत्ल किया था मुसलमानों के जाब को। आज बदला पूरा हो गया, उधर इस्लाम के सुरखील को कुफर के जमाने में खत्म किया था, शहीद किया था, अब इस्लाम लाने के बाद में वो कुफर का दरिंदा मुसलमा कज़्ज़ाब को इसने कत्ल करके जहन्नम में पहुंचा दिया। मेरे दोस्तों अजीजों, इसलिए कोई भी सबक सामने आए या मोबाइल के जरिए से सामने आए, बहुत चीजें चलती है, एक नहीं हक की आवाज बुलंद करने वाले चुनिंदा चंद आपको चैनल मिलेंगे, लेकिन ना हक और बातिल के लिए और इस्लाम को तोड़ने के लिए और ऐसे नालायक चैनल कितने सैकड़ों की तादाद में है, हजारों की तादाद में है, जो हमारे ईमानों को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे हैं। यही बातें आपको मिलेगी, इस्लाम दुश्मनी की बातें, इस्लाम दुश्मनी की बातें। ये उलमाए किराम माशाल्लाह जो आपको नजर आ रहे हैं, स्टेट की जीनत बने हुए हैं, मामूली न समझना। एक मकतब में पढ़ाने वाला हाफिज अब्दुल बशीर या हाफिज नदीम साहब, ये छोटे मोटे उस्ताद जैसे आपको नजर आ रहे हैं, किसी घर में पढ़ाने वाले, एक मकतब में पढ़ाने वाले, किसी बड़े इदारे या मदरसे के शेखुल हदीस न बने, हदीस कदर से देने वाले ना बने, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक मकतब में पढ़ाने वाला मुअल्लिम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की जहन साजी इस ढंग से और इस अंदाज से कर रहा है कि छोटी छोटी उम्र में आज उनको ये बता रहा है कि बेटे खत्म नबूवत के अकीदे पर कायम रहना, इसी पर जान दे देना, लेकिन इस अकीदे से हटना नहीं, ये सबक दे रहा है। छोटे छोटे बच्चों की जबानों से कहलवा रहा है, हम जैसे बड़े बड़ों की दिमागों में ये बात को बच्चों के जरिए से डलवा रहा है कि मेरा पैगंबर आखिरी पैगंबर था, मेरा नबी आखिरी नबी था। इन छोटे छोटे बच्चों ने थोड़े से वक्त में क्या कुछ ने बयान कर दिया यारो। ये मुअल्लिमीन हैं जो हर फितने की सरकोबी के लिए खड़े होते हैं, हर फितने का दंडाल शिकन जवाब देते हैं, जो फितना सामने आया उसको दबाने की कोशिश करते हैं,
उम्मत में हराम ना आए, उम्मत में नाजायज ना आए, उम्मत की औलाद में बिगाड़ ना आए, उम्मत में उम्मत पना आए, हम में ना इत्तेफाकी ना हो जाए, हम में दुश्मनी के बीज कोई ना बो दे, हम में गलत मसाइल ना कोई फैला दे, हम में गलत अकायद ना कोई लाकर डाल दे। इतनी फिक्र करता है एक मुअल्लिम, सिर्फ मकतब के बच्चों की नहीं, मेरे मोहल्ले के जवानों की, मेरे मोहल्ले के बूढ़ों की, मेरे मोहल्ले के औरतों की, मेरे मोहल्ले के मर्दों की, इनकी जहन साजी किस अंदाज में हो ये मुअल्लिम सोच रहा है। ये एक मुकालमे के जरिए से सबक दे गई बच्चियां, महिला घट के बारे में बता गई बच्चियां, एक मुअल्लिम ने डाला जहनों में, एक सबक दिया, एक दर्स दिया। वो दर्स आपको पढ़ाया गया, बच्चियों के लिए नहीं था, कानों की लज्जत के लिए नहीं था, जबानी वाहवा के लिए नहीं था, एक कान चुनकर दूसरे कान के लिए नहीं था, मेरे बच्ची ने इनाम हासिल कर ली इसलिए नहीं था, वो इसलिए था। क्या कुछ बयान किया इन्होंने, इस पर अमल किया जाएगा, इस पर अमल किया जाएगा। कितनी बहने मुलवस हुई महिलागत के अंदर, वो बताकर गई है, वो मुफ्ती साहब जो लड़का बना वो बताकर गया है ये हराम रोजी है, सुअर का खाना, शराब का पीना, ब्याज का खाना, तीनों गुना है, ये भी हराम, वो भी हराम, वो भी हराम, शराब का पीना भी हराम, सुअर का खाना भी हराम, महिला घट का पैसा खाना भी ऐसे ही हराम। सुअर के खाने में तो एक गुना हुआ, हराम हुआ, शराब के पीने में गुना हुआ, हराम हुआ, मगर महिला घट का पैसा खाना, मैं आपको बताता हूं, दिलों की तख्तियों पर लिख कर ले जाना, यारो महिला घट का खाना पैसा खाने से बेहतर यह है कि आप सुअर काट कर खा लो, इसलिए कि इसमें सिर्फ गुना है, सुअर के खाने में गुना है, हराम है, लेकिन महिला घट का पैसा खाने में कम से कम गुना यह है अपनी मां से 70 बार मुंह काला करना। कोई शख्स पसंद करे अपनी मां को मैली निगाह से देखना, कोई पसंद करेगा? गंदी निगाह से देखना कोई पसंद करेगा? मेरी मां को कोई गंदी निगाह से देखे मैं आंखें बहर कर दूं, और मैं खुद अगर अपनी मां को मैली निगाह से ना देखूं, जिना करूं उसके साथ, और एक बार नहीं 70 बार करूं, कितना बड़ा गुना होगा। यह शरीयत की नजर में कम गुना है, बड़ा गुना यह है कि मरते वक्त में कलमा नसीब नहीं होता, मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होता। 12 साल की उम्र में वो जो फोटो देखते हैं आप टीपू सुल्तान की चौराहों पर लगी हुई शेर को फाड़ता हुआ, वो रियल तस्वीर है, बनावटी नहीं। हां बनावटी उसमें वो है कि उसमें उसकी दाढ़ी नहीं बताया, जवान बताया, वो बचपन की तस्वीर है जब उन्होंने शेर को फाड़ दिया। बच्चों ने आकर माँ बाप से कहा, अम्मी अब्बू शेर सामने आ गया था जंगल में, हम दुम दबा कर भागे, हमारी जान बच गई। टीपू शेर के सामने खड़ा था, शायद खा गया होगा। सब बच्चों के बाप आए हैं बुढ़िया के पास और कहने लगे, बुढ़िया तेरा बेटा हर धरनी पर उतरा, काश भाग जाता तो मेरे बेटे की तरह तेरे बेटे की जान बच जाती। बड़े बड़े सुरमाओं की ना चली, पहलवानों की ना चली, उसने तो हड्डियां भी चबा गया होगा। हम तुझे तसल्ली देने को आए, ताजियत करने के लिए आए, कबूल कर ले, अल्लाह उसकी मगफरत करे, तुझे सबर नसीब करे। बुढ़िया कहने लगी, ये नहीं हो सकता कि शेर मेरे बेटे को फाड़ दे। हाँ ये हो सकता है मेरा बेटा शेर को फाड़ दे। लोग कहने लगे, बुढ़िया की शायद अकल जवाब दे गई, मौत की खबर सुनकर शायद ये सठिया गई, इसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा, शायद ऐसा इसलिए कह रही है। बूढ़ी कहने लगी, नहीं होश हवास में हूं, अकल जवाब नहीं दे गई, तुम्हें यकीन नहीं आता तो थोड़ी देर रुक कर जाओ, मेरा टीपू आता ही होगा। लोग बातें कर ही रहे थे कि मरे हुए शेर को दुम से पकड़ कर ले आया टीपू सुल्तान। जब सामने आया तो लोग हक्का बक्का रह गए, हक्का बक्का रह गए, दांतों में उंगली दबाली। बुढ़िया से कहने लगे, बूढ़ी औरत तुझे कैसे यकीन था कि तेरा बेटा शेर को मार सकता है? क्या तुम्हें पता नहीं है, ये टीपू जब पैदा हुआ था 2.5 साल की उम्र तक मैंने इसे दूध पिलाया, लेकिन जब भी दूध पिलाया है बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया, बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया। एक मां जब अपने औलाद के पेट
में इस कदर हलाल रोजी डालती है तो उसका बेटा टीपू सुल्तान जैसा पैदा होता है। हम अपने औलाद की अगर पेटों में ये हराम रोजी और महिला गट का पैसा लाकर डालेंगे, नाफरमान तो बन सकता है, बाप को जूते मारने वाला तो बन सकता है, माँ को गाली देने वाला तो बन सकता है, फरमाबरदार बनने की उम्मीद मत रखना, मत रखना। ये बात जब हमने जयपुर कोतली में की आज से साल भर पहले, इसी महिला गट के अनुवान पर अल्लाह गवाह है 300 औरतों और माए बहनों ने महिला गट के फार्म फाड़ कर फेंके और तौबा कर ली और ये कहने लगी अतराफ के गांव बस्ती में जा जाकर हम अपनी बहनों को आगाह करेंगे कि इस नहुसत से बचो। सिर्फ नहुसत ही नहीं, इज्जतों से खिलवाड़ करते हैं ये जालिम कुत्ते लोग, खिलवाड़ खिलवाड़ करते हैं। इज्जतों को फरामोश करने पर मजबूर होती है एक औरत जब लोन का पैसा अदा नहीं कर पाती, खुदकुशी करने पर मजबूर होती है एक औरत जब लोन का पैसा अदा नहीं कर पाती। मर्दों को लगता है हमारी बीवी सहारा बन गई, मत लो ऐसे सहारों को, मत कबूल करो, फाका कर लेना बेहतर है, फाका कर लेना बेहतर है, भूखे रह जाना बेहतर है, मगर इस रकम को हाथ नहीं लगाना जो हराम रोजी है जिससे मरते वक्त में कलमा नसीब नहीं होता। मुहज़्ज़ब अंदाज में न जाने कितने हराम चीजें हमारे अंदर दाखिल हो गई। नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में आखिर में ऐसे लोग पैदा होंगे जो हराम चीजों को नाम बदल कर हलाल कर लेंगे। कभी FIC के नाम से आपके सामने कंपनियां आएंगी, इसमें आपको बहुत नफा मिलेगा। आप एक से तीन, तीन से तीन, तीन से तीन तीन लोग ABC के ऐसे मेंबर बनाते जाएं, आपका नफा आपके खाते में जमा होगा। कभी MN10 कंपनी आएगी, कभी इंडियन मार्केटिंग आएगी, कभी शेयर मार्केटिंग हराम वाली वो आपके सामने आएगी, और कभी महिला गट के नाम से आपके सामने लाया जाएगा, कभी गोल्ड फार्म के नाम से बहाने से आपके सामने इस किस्म की मार्केटिंग की जाएगी। ये पैसा बढ़ाने के जरिए हैं, इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करो। पहले लोग भी क्या करते थे, हम नए अंदाज से कर रहे हैं, सब हराम रोजी है। अपने उलमा से पूछे, अपने उलमा से पूछ पूछ कर उस पर अमल करने की कोशिश करें। हराम हलाल क्या है वो सब आपको उलमा सुलहा अतकिया असफिया औलिया हुफाज उलमा आपको इंशाल्लाह किताबें खोल खोल कर हवालजात के साथ में बताएंगे ये चीज हलाल है, ये चीज हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है। बच्चों ने माशाल्लाह प्रोग्राम के जरिए से आपके जहन नशीन कराया, बहुत सारी बातें हमको सुनने को मिली, हम उससे आगाह हुए, ईमान तरोताजा हुआ। वाकई प्रोग्राम चल रहा था, हमारा ईमान ताजा हो रहा था कि माशाल्लाह इन बच्चों की जहनी सलाहियत को बनाने वाले उस्तादों को मैं सलाम करता हूं कि किस अंदाज में ढाला है और किस अंदाज में माशाल्लाह प्रोग्राम को पेश किया है। उन बच्चों के माँ बाप को भी मैं सलाम करता हूं जिन्होंने मकतब के अंदर बच्चों को भेजकर इस तरह दीनी तरबियत करवाई है। मैं उम्मीद भी करता हूं कि जैसे अभी हाफिज साहब ने सुनाया 40 दिन पाबंदी करने पर माँ बाप भी नमाज के पाबंद बन गए, मैं समझता हूं इन तमाम सुनने वालों ने जितने मजमे में सुना है, महिला गट के बारे में हो या हराम रोजी के बारे में हो, बेपर्दगी के बारे में हो या नमाज की पाबंदी के बारे में हो, जितने बात सुनने को मिले हैं इंशाल्लाह पूरा पूरा उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं इतनी बातें आपसे करने वाला था, वक्त ज्यादा साथ नहीं दे पा रहा, शायद मेरी आवाज भी साथ नहीं दे पा रही। रोज मेरे प्रोग्राम है, खाली कल की 2 तारीख मेरी खाली गई, वरना 30 दिन से मुकम्मल प्रोग्राम चालू थे। अब मुझे भी थकावट महसूस हो रही है, इन्हीं बातों पर इक्तफा करता हूँ। अल्लाह पाक कई सुनी बातों पर कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के नाम।